हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर पार्टी वेयर बेबी फ्रॉक। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो फैब्रिक लिया है, टॉप पार्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नेट का फैब्रिक लिया है, वो है 1/2 मीटर। और मैंने बॉटम बनाने के लिए यहाँ पे नेट ली हुई है, वो है 1 मीटर। और उसी के साथ मैंने बेस फैब्रिक भी लिया हुआ है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4/4 में लिया हुआ है। शोल्डर में लूँगी यहाँ पे 4 इंचेस का, आर्म होल भी मैं लूँगी 4 इंचेस डाउन। अब यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, वो मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस का। यहाँ पे आपका जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ 10 इंचेस। और यहाँ पे ब्रॉडनेस में लूँगी 6 एंड हाफ इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। और ये हो गई हमारी टॉप पार्ट की लेंथ। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने लिया था 4 इंचेस, उसका हाफ होता है 2। तो यहाँ से हमारा आर्म होल स्टार्ट होगा। तो इस तरह से ये मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया। नेक की ब्रॉडनेस में ले रही हूँ यहाँ पे 2 एंड हाफ इंच। और लेंथ में लूँगी 3 इंचेस। फ्रंट और बैक के लिए मैं 3 इंचेस का नेक ले रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे राउंड शेप बनाते हुए हम नेक ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है, हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, हमने कट कर लिया है। तो इस तरह से ये मुझे टॉप पार्ट के लिए, फ्रंट और बैक के लिए 2 पीसेस मिल गए हैं। अब मैंने नेट को 2 फोल्ड में रखा हुआ है। और जो हमने टॉप का पार्ट कट किया है उसे हम एज इट इज़ यहाँ पे रख के नेट में इस तरह से नेट का फैब्रिक हम वही शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने नेट का फैब्रिक भी कट कर लिया है। तो ये हमने टॉप पार्ट कट कर लिया है। अब हम बॉटम को कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने फिर से 4 फोल्ड में लिया हुआ है। और इसकी लेंथ मैंने ली है 18 इंचेस। हमने जो टॉप पार्ट कट किया था उसे हम 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखेंगे। इसे अच्छे से 2 फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे रख के ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसे हम मार्क करेंगे। और यहाँ से बस क्रॉस में नीचे तक हमारी लेंथ तक एक्सटेंड करेंगे। ये है हमारा बॉटम का बेस फैब्रिक। तो हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, हमने बॉटम कट कर लिया है। और नेट में मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल 2 पीस कट कर लिए हैं। और ये ब्रॉडनेस है, ये पूरी ब्रॉडनेस मैंने ले ली है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो ये मैंने राइट साइड पे नेट का फैब्रिक रखा हुआ है, उसके ऊपर बेस का जो हमने कट किया था उसे हम उल्टा रखेंगे। और यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाना है। दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद नेक पार्ट और आर्म होल में हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से मैंने फ्रंट पार्ट को भी अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे हम आर्म होल और नेक पार्ट में हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हाथों से नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाने के बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है।
इसे अच्छे से राइट साइड पे टर्न कर लेना है। इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी तैयार करना है। उसके बाद ये मेरा राइट पार्ट है, उसके ऊपर में बैक का पार्ट उल्टा रखूंगी और यहाँ पे हम दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए शोल्डर फिटिंग करेंगे। ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये जो हमने नेट रेक्टेंगल पीस हमने कट किए हैं, ये पूरी ब्रॉडनेस में हम बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से मैं यहाँ पे भी बड़ी वाली सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद हम इसमें गैदरिंग तैयार करेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैंने एक धागे को इस तरह से पकड़ के आपको खींचते जाना है और इस तरह से आपकी गैदरिंग तैयार होती जाएगी। इस तरह से आपको हल्के हाथों से खींचते जाना है तो आपकी गैदरिंग तैयार हो जाएगी। इसी तरह से दोनों पार्ट को तैयार करना है। ये हमने फ्रंट और बैक के लिए गैदरिंग तैयार कर ली है। अब ये जो हमने बेस का फैब्रिक कट किया था बॉटम का, उसे हम राइट साइड पर रखेंगे और उसके ऊपर हम नेट को भी इस तरह से राइट साइड पर रखेंगे। और यहाँ पे जो हमारी ब्रॉडनेस है, इस पूरी ब्रॉडनेस में हम सिलाई लगाएंगे और दोनों को फिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने फ्रंट और बैक को यहाँ पे सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। और ये मेरा राइट पार्ट है, उसके ऊपर हम जो हमने टॉप पार्ट बनाया था उसे हम उल्टा रखेंगे। टॉप पार्ट हमें इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे पूरी ब्रॉडनेस में हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमारा टॉप और बॉटम ज्वाइन हो जाएगा। इसी तरह से बैक पार्ट में बैक का बॉटम ज्वाइन करना है। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। अब मैं इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करके फिटिंग करूँगी। इसे अच्छे से रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद हम यहाँ पे 1 इंच के डिस्टेंस पे यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। उसके बाद हम इस लाइन को क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड करते हुए सिलाई लगा के फिटिंग करेंगे। तो यहाँ से आपको जो फिटिंग करनी है वो ये जो हमारा नेट का फैब्रिक है, उन दोनों नेट को मिलाते हुए नीचे तक सिलाई लगानी है। और ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है, उन दोनों को मिलाते हुए हम नीचे तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दोनों तरफ हम फिटिंग करेंगे। ये देखिए हमने फिटिंग कर ली है कंप्लीट। अब हम लास्ट में नीचे की बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो इसे हम रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और इसे ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे भी हम रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से पूरी लेंथ में डबल फोल्ड करना है। इसे आप चाहे तो पिको भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। हमने लास्ट में यहाँ पे रेडीमेड फ्लावर लगा दिया है। सो गाइस, तैयार है हमारी डिजाइनर पार्टी वेयर बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।